भव्य पंडाल बनाया जा रहा है यहाँ पे और केदारनाथ का स्वरूप दिया जा रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है, लोगों को क्या खास देखने को? लोगों को खास ये देखने को मिलेगा, हमारी कमेटी ने ये प्रयास किया कि इन दिनों केदारनाथ का बहुत नाम है, बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं, तो जो भक्तजन केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, हम लोग ने ये कोशिश किया कि उनको हम लोग पूरा मॉडल दिखाएं कि कैसा है पूरा केदारनाथ का स्वरूप बाहर से और अंदर से। तो हम लोग ने पूरा जैसा केदारनाथ पत्थर से बना हुआ पूरा मंदिर है पुराना, जो पांच पांडवों ने मिल के भगवान केदारनाथ जी को स्थापित किया था, हमने देखिए पूरा पत्थर सहित पूरा स्वरूप वैसे ही उतारने की कोशिश की है। और इसका जो भी आर्किटेक्ट है, जो भी हमारे कमेटी के मेंबर केदारनाथ गए हैं, उसकी सारी बारीकियों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तब इस पंडाल को हम लोग ने बनाने का डिसीजन लिया है। जो भी भक्तजन अंदर जाएंगे, पहले बाहर भगवान नंदी बाबा का दर्शन होगा, हमारे मेन कॉरिडोर पे घंटी होगी जैसे केदारनाथ में है, फिर उसके बाद बाहर भगवान नंदी बाबा का दर्शन करते हुए लोग अंदर की ओर बढ़ेंगे, उनको पांच पांडवों की मूर्ति दिखेगी, उसके बाद बीच में हमारे भगवान केदारनाथ जी की मूर्ति होगी, उसके बाद फिर थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे तो हमारी माँ की प्रतिमा का दर्शन करते हुए लोग एग्जिट गेट से बाहर निकल जाएंगे। मैं नयन जायसवाल प्रयागराज समिति से।